अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मस्नूई ज़हानत के हवाले से पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। इस हवाले से अब दो खबरें सामने आई हैं जो दुनिया को मजीद हैरान कर दिया है। इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे एक घंटी के बटन को दबा दीजिए। नाज़रीन, पहली खबर के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मस्नूई इंसानी दिमाग की तैयारी के मंसूबे के लिए $1 अरब की सरमायाकारी कर दी है। ये मस्नूई दिमाग स्पेस एक्स और टेसेला कंपनी मिलकर तैयार करेंगी। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव ग्रेग के मुताबिक ये इंसानी तारीख की आज तक की अहम तरीन तकनीकी ईजाद होगी जो इंसानी जिंदगी को बिल्कुल नई जिद्दत फराहम करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर सुपर कंप्यूटिंग फाउंडेशन कायम की जाएगी जिसके तहत मस्नूई इंसानी याददाश्त पर मबनी डिजिटल दिमाग तहकीक किए जा सकेंगे। इस इजाद के क्या अमली असरात मुरतब होंगे किसी को इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन ये इजाद गुर्बत और बीमारी के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ था और इसके तहत मुख्तलिफ स्टार्ट एप्स मस्नूई जहानत के हवाले से काबिल कदर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। कंपनी के मुताबिक ये मंसूबा नेक नियति के साथ इंसानियत की बेहतरी के लिए शुरू किया गया है और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत तमाम इंसानों को जिंदगी के हर किस्म के मौकों से फायदा उठाने की मुकम्मल मायशी आजादी हासिल होगी और ऐसी नई जिद्दत दरियाफ्त हो सकेंगी जिनके बारे में आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। नाज़रीन, इंसानी दिमाग के मुतल्लिक दूसरी खबर यह है जिसके मुताबिक अमरीकी रियासत मिनीसोटा के अस्पताल में एक मरीज के दिमाग में सर्जरी के जरिए याददाश्त बढ़ाने की खातिर माइक्रोचिप लगाने का कामयाब तजर्बा किया गया है। माइक्रोचिप लगाने से कबल मरीज से 12 अल्फाज दोहराने के लिए कहा गया लेकिन वो सिर्फ 3 याद कर सका। मेमोरी चिप लगाने के बाद इसकी याददाश्त का दोबारा टेस्ट लिया गया तो उसने फौरन 12 के 12 अल्फाज दोहरा दिए। ये आला पेंसिलोनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैकल की इजाद है। मैकल के मुताबिक हम मरीजों के दिमाग में मुख्तलिफ सेंसर लगा देते हैं जो दिमाग से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉनिटरिंग करते हैं। इन सिग्नल्स की मदद से ये आला याददाश्त से मुतल्लिक मवाद तलाश करके वापस दिमाग को भेजता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मौसमियात के माहरीन फिजा में मुख्तलिफ सेंसर लगा देते हैं जो फिजा में नमी और हवा से मुतल्लिक डेटा हासिल कर लेते हैं। केस स्टडीज के मुताबिक इस चिप की मदद से टेस्ट के दौरान मरीज की याददाश्त 15 से 37% तक बेहतर हुई। गुज़श्ता 5 बरस के दौरान अमरीकी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी याददाश्त की बहाली पर मबनी टेक्नोलॉजी और तहकीक पर $70 मिलियन खर्च कर चुकी है। अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर दिमागी चोटों के बहस जख्मी हजारों फौजों की लिए वाजे की गई है। ताहम अमेरिका में एक स्टार्टअप एंगोबेटर इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में कमर्शियल बुनियादों पर मुतारिफ करवाने के लिए काम कर रहा है। इंसान को अशरफुल मखलूकात इसके दिमाग की वजह से भी कहा गया है। दुनिया में हजारों लाखों जानवर चरिंद परिंद मौजूद हैं और ये सब दिमाग रखते हैं लेकिन इन सब में सिर्फ इंसान ही है जो अपने दिमाग को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता है। जहां तक याददाश्त बढ़ाने की बात है तो वहां तक तो ये आला ठीक है। एक इंसान के अंदर अगर चीजों को याद रखने की सलाहियत बढ़ जाए तो उसे इससे बड़ी नेमत क्या होगी। नाज़रीन, ये इजाद जहां तक याददाश्त बढ़ाने की बात है तो ठीक है। एक इंसान के अंदर चीजों को याद रखने की सलाहियत अगर बढ़ जाती है तो इससे बड़ी नेमत और क्या होगी। लेकिन अगर इसका मुस्बत इस्तेमाल किया जाए, अगर इस चिप को मनफी इस्तेमाल किया गया या किसी इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए उसके दिमाग में जो चिप लगाई गई तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए।